हमारा 11th क्वेश्चन है, इफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड, अगर कहता डायामीटर जो है उसको डबल कर देते तो एरिया क्या होगा विद एस्क, जब हम उसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल एरिया से, जो पहला वाला एरिया था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, हमने सॉल्व कर दिया। उसने बोला डायामीटर हमने डबल करा, हमने पहले मान लिया d2 था, उसके बाद जो d है वो क्या बन गया, डबल हो गया तो 4 हो गया। अगर d2 है तो r क्या आएगा, हाफ उसका, हाफ 1, यहां पे भी हाफ हो जाएगा तो 2। यहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया एरिया का तो आंसर आया मेरा पाए, यहां पे मैंने जब एरिया का फॉर्मूला लगाया तो मेरा आंसर आया 4 पाए। तो एरिया कितना हुआ टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ एबीसीडी इज अ ट्रायंगल रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल दी हुई है, बीच में उसने एक शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी, कि इसमें अगर ट्रायंगल्स बन रही हैं तो ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करो। तीन ट्रायंगल्स बन रही है, तीनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, प्लस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का पड़ेगा, फिर रेक्टेंगल के एरिया में से ये तीन जो ट्रायंगल्स का एरिया आपने फाइंड करा है उसको एड करके रेक्टेंगल में से माइनस करवा दो। देखो यहां पे ये हमें 8 दी हुई है, टोटल 15 दी है, तो बीई किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, तो हमारा बीई इक्वल आ जाएगा 7 के, राइट। ये तो आपको पता है रेक्टेंगल है, तो ये और 24, ये दोनों 24 होंगे, ये 15 होगा। अब हमें और क्या चाहिए, अब हमें और चाहिए ये वाली साइड रहेगी हमारी, ये इतनी 12 है ये, तो ये कितनी बच गई, ये भी तो 12 बच गई क्योंकि टोटल कितनी थी 24। अब आपके पास हर एक साइड आ गई ट्रायंगल की, हर एक साइड आ गई, आपको पता है रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर भी आ गए, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब बस एरियाज फाइंड करने हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी 15 × 24, 24 × 15, L × B 360 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई 84 आ गया, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। फिर उसके बाद ये इससे कट जाएगा एंड ये इससे कट जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफसीई, एफसीई है यहां पे हमारी, तो ये 12 है ये 8 है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाने के बाद इन तीन ट्रायंगल्स का सम करो जो आएगा 222, उसमें से 360 माइनस करोगे आपका आ जाएगा आंसर 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल्स की जो अपनी लेंथ दी हुई है उनको फाइंड करना है, बेस एंड परपेंडिकुलर फाइंड करना है आपने। जैसे ही बेस एंड परपेंडिकुलर मिल गया सबका, सबका एरिया फाइंड करो, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो। शेडेड के लिए हमें ये वाला रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का एरिया ये वाला एंड ये वाला, ये तीनों माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का आ जाएगा एरिया। दैट्स इट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये ए डी ही दिया हुआ है ना, इसका मिड पॉइंट कौन है, पी है, दैट मीन्स ए पी एंड पी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद बोला कि ए डी जो है परपेंडिकुलर भी है, राइट, ए डी परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल दिया हमें पता था। इफ ए डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अगर कहता है ए डी 20 सेंटीमीटर है, आपको पता है ना एपी और पीडी इक्वल थे, तो एपी कितना हो जाएगा 10 और पीडी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एंड ई सी इज इक्वल टू 18, ये जो ई सी है वो 18 दिया हुआ है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो ये मैंने आपको बता दिया कितना कितना है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये ई सी हमें दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये दिया हुआ है 18। अब आप कहोगे कैसे फाइंड करना है, यहां पे देखो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है कैसे फाइंड होगा। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। इस फिगर का एरिया इस फिगर के एरिया में प्लस कर देंगे तो पूरी फिगर का एरिया हमें पता चल गया। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आएगा, ये है हमारी पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का ये है एसी बेस और ये है इसका परपेंडिकुलर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता था बी इंटू सी, दैट मीन्स 18 × 10, वो आ जाएगा हमारा 180। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 × बेस × हाइट। अब यहां पे देख लो आप, सीधा सीधा ही दिख रहा है, यहां पे देखो ये ईसी है
और ये क्या है, DP इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये अगर इसका परपेंडिकुलर है तो 18 × 10 अगर मैं कर दूं 180 आएगा, लेकिन ये हाफ होता है इसका, ये भी आपको पता है, ये इसका हाफ होता है पैरेललोग्राम। तो 180 का हाफ करूंगा तो क्या आएगा, 90, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 270 cm². ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, 270 cm², ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यहां पे देखो 270 cm². तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन क्वेश्चन है, फील्ड इज 225 मीटर लॉन्ग, 175 मीटर वाइड, इट है टू रोड्स इन इट सेंटर्स। हमने रोड्स वाला ऑलरेडी करा हुआ है जिनकी विड्थ दी है 5 मीटर, वन पैरेलल टू, ओके ये छोड़ो। इसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स, ठीक है, लेवल को सॉरी रोड को क्या करना है, लेवल करना है 2-3 rupees per square meter। दैट मीन्स हमें एरिया फाइंड करना है रोड्स का। अब एरिया फाइंड करना है तो चलिए फाइंड करते हैं फटाफट से, उसके बाद उसको जो एरिया आएगा रोड्स का उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा कॉस्ट आ जाएगी। अब ये रोड है यहां पे, तो इसकी लेंथ कितनी है यहां से लेके यहां तक, 225, और ये इधर से कितनी है 5, तो ये इसका क्या आ गया, ये एक रेक्टेंगल बन रही थी, ये इसका क्या आ गया एरिया प्लस। अब इस रोड का एरिया फाइंड करते हैं, हमें पता है 5 से तो करना ही करना है क्योंकि 5 इसकी लेंथ है। अब इसकी आती है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 175, तो ये आ गया दो रोड का एरिया। लेकिन फिर से वही बात, अगर आपने याद नहीं है तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है हमारा दो बार काउंट हो गया, एक बार इधर से आते हुए एक बार इधर से आते हुए, तो हम तो सिर्फ उसको लेवल एक बार ही करेंगे, दो बार नहीं करेंगे। तो इस वाले को हम माइनस करवाएंगे, ये कितना था 5, इधर से ये कितना था 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये क्या हो गया एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है 5 × 5, ये हम करेंगे टोटल एरिया में से माइनस, ताकि ये वाली चीज जो डबल आई थी एक बार माइनस हो जाए। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दो, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1125 और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 875 और ये 25, इनको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1975। इसको ये कितना है, ये हमारा रोड का एरिया है स्क्वायर मीटर में। लेवल करने के लिए कॉस्ट कितनी थी 3 rupees per square meter, तो 1975 के लिए कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, आपका आंसर आ जाएगा 5925 rupees, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई ऑप्शन भी आया कि नहीं, ऐसा कोई, ये रहा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसीलिए इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसमें आपको ये मैंने चीजें पहले से ही समझा रखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 15th क्वेश्चन है, पीपल ऑफ विलेज टेक गुड केयर ऑफ प्लांट ट्रीज एंड एनिमल्स, दे मार्क्ड सम लैंड फॉर देयर पेट्स काउ एंड ऑक्स एंड प्लांट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया केप्ट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टूगेदर टू द एरिया ऑफ लैंड। मतलब जहां पे एनिमल्स और प्लांट्स रखे जा रहे हैं उनका सम करेंगे एरिया का, उसको हम रेशियो में कर देंगे किसके साथ, टोटल एरिया के साथ। ये देखो ये फिगर दी हुई है और ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो चलिए फिर फटाफट से फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। टोटल एरिया आएगा रेशियो के यहां पे, और जो काउज एंड प्लांट्स का एरिया आएगा वो हम रखेंगे आगे। अभी देखो पहले हम टोटल लैंड का एरिया फाइंड करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा 15 × 5 = 75 and 375 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया पूरे लैंड का एरिया। अब हमें चाहिए काउ ऑक्स और प्लांट्स का एरिया, वो प्लस करके आएगा, तो इसको इधर करते हैं। देखो काउ का एरिया कितना आ जाएगा 18 प्लस, प्लांट्स का एरिया आ जाएगा 16 प्लस, ऑक्स का देखो यहां पे गलती क्या होगी, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, मतलब हम डायरेक्ट कर देंगे जो कि गलत है,
ये इसका रेडियस नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है डायामीटर, तो इसका रेडियस आएगा 7/2। तो 7/2 मीन्स पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कट गया और ये आ गया 11, तो आंसर आ जाएगा 77/2 मीटर स्क्वायर। तो 77/2 इसमें प्लस कर दो, और ये प्लस करने के बाद हमारा आएगा कुछ, इसको यहां पे नीचे प्लस कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा 277 प्लस 36 प्लस 16, तो ये निकल के आएगा नीचे, तो आ जाएगा 2 हमारा 12 एंड 19। ओके, 1 कैरी गया इसमें। ओके, तो हमने यहां पे क्या करा, हमने 16 का एलसीएम तो लिया ही नहीं, 32। तो देखो 6 प्लस 2 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, 1 कैरी, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 कैरी वाला 11 एंड 14, तो 145/2 हमारा इसका आंसर आ गया। तो देखो हमें पता करना है रेशियो जो है 145/2 ओवर 375, तो क्या कर देंगे हम 145/2 इंटू 375, क्योंकि न्यूमिरेटर के एक नीचे नंबर आ रहा था जो जाके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 के टेबल पे इसको काटो, ये आ जाएगा 29, ये आ जाएगा 7 एंड देन 5, 75 आ गया यहाँ पे, तो 29:150 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 75 इंटू 2 होता है 150, तो 29:150 हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दैट्स इट, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके बाद वाले, पहले वाले थोड़े से मुश्किल थे लेकिन अब वाले बहुत इजी हैं, बस फिगर्स देखनी है, गलती नहीं करनी है कोई भी, ध्यान रखना है यहाँ पे ये डायामीटर गिवन है ना कि रेडियस गिवन है, डायरेक्ट 7 से मत करने लग जाना, ठीक है, ध्यान से देखना चीजों को और फिर करना, ठीक है। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है आगे वाले और भी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, अ टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये दिया हुआ है, अ सर्कुलर रीजन इनक्लोजेस विद द Encloses a beautiful design as shown in the figure. The inner area is this and outer circumference means इसका circumference दिया है, इसका area दिया हुआ है. Find the width of a circular design. पहली बात तो width क्या है, देखो ये एक small circle है अंदर और एक ये बड़ा वाला circle है, इसका radius मान लेते हैं small r और जो बड़े वाले का है उसको मान लेते हैं capital R. इनका विड्थ क्या होगा सर्कल के बीच में, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कैसे आएगा, ये देखो ये स्मॉल आर को अगर मैं बड़े वाले आर में से माइनस कर दूं तो ये चीज चली जाएगी, बचेगा कितना ये वाला डिस्टेंस, तो यही तो मुझे चाहिए, तो बस हमें क्या करना है, बड़े वाले सर्कल का एरिया मतलब आउटर सर्कल का एरिया और इनर सर्कल का, सॉरी आउटर सर्कल का रेडियस और इनर सर्कल का रेडियस चाहिए हमें, तो इनर का एरिया दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, आर स्क्वायर 22/7 इज इक्वल टू 5544, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 5544 इंटू 7/22, तो ये आ जाएगा 1 22 2 44, बच जाएगा 11, रहन दो इसको 2 पे 11 पे काट देते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 504, उसके बाद फिर इसको 2 के टेबल पे काट देते हैं 252, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन को खत्म करते हैं, यहां पे 252 इंटू 7 आ जाएगा हमारा 436 17, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 17 64 के, तो 1764 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो किसका स्क्वायर रूट है 16, तो दैट मींस 440 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 40 के ज्यादा करीब था। अब आ जाते हैं इधर आउटर पेरीमीटर पे, इसका भी आर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2πr, लेकिन कैपिटल आ जाएगा इस बार क्योंकि आउटर की बात कर रहे हैं, उसका हमने रेडियस आर लिया है, तो आर हमें पता करना है 352 इंटू
टू नीचे आ गया, इसका 22 भी नीचे आ जाएगा और जो इसका 7 इसके नीचे आना था वो ऊपर चला गया। इसकी कटिंग करो 8 आएगा एंड देन आ जाएगा फिर से 8, तो ये आ जाएगा 56। 56 में से 42 माइनस करवाओ आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा 14 सेंटीमीटर जो विड्थ होगी। तो विड्थ इज 14 सेंटीमीटर, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 17th क्वेश्चन है, अ फ्लोर मेजरिंग 2 मीटर बाय 1.5 मीटर इज टू बी कवर्ड विद द टाइल्स मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। वो ठीक है, लेकिन देखो ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ टाइल्स का मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में एक क्वेश्चन लिखवा, एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये था वो। नंबर ऑफ टाइल्स किसकी इक्वल आएगा, टोटल एरिया ओवर एरिया ऑफ ईच टाइल। तो टाइल का यहां से एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या पूछा उसने, द कॉस्ट ऑफ द टाइल एट 420 पर डजन। उसने हमें डजन के हिसाब से टाइल्स की कॉस्ट दी हुई थी, हम वन टाइल की कॉस्ट निकाल लेते हैं, जितनी कॉस्ट है टोटल 12 की उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक टाइल की कॉस्ट आ जाएगी जो आएगी 36 रुपीज। मतलब 36 रुपीज की एक टाइल है। अब हम नंबर ऑफ टाइल्स पता करते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स को 36 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ठीक है, पहले तो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, वो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू टोटल एरिया, एरिया पहले 2 मीटर को पहले तो कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, जो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, और 1.5 मीटर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, ये कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 200 × 150 एरिया ऑफ ईच टाइल विच मीन्स 25 बाय 25। तो यहां से आ जाएगा हमारा 8 और यहां से हमारा आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ टाइल्स आ गया हमारा 48। ऑप्शंस चेक करें, 48 दो में दिया हुआ है, तो अभी हमें आगे भी फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइल्स भी आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ वन टाइल भी दी हुई है, तो कॉस्ट फाइंड कर देते हैं टोटल कितनी आएगी हमारे पास, नंबर ऑफ टाइल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन टाइल। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने शॉर्टकट मेथड के साथ, 44 कैरी 20 24 44 एंड आ जाएगा 48, 4 अगेन कैरी 12 एंड 4 16 1680 रुपीज हमारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, 48 एक तो चाहिए और एक 1680 यहां पे है ऑप्शन बी में, तो इसका हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। दैट्स इट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब शुरू होता है हमारा अचीवर सेक्शन, जिसमें हमें ऑप्शंस हमेशा देखने हैं, जैसे ही अचीवर सेक्शन दिखे भाई ऑप्शंस देखने शुरू कर देना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं आपको सिखाता हूं, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 112 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर वाइड, टू रोड्स ईच 3 मीटर वाइड आर टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द सेंटर ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, वही वाला रोड्स वाला, ये वाली फिगर ऐसी दिख रही होगी, यस। तो यही सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, उसने पूछा है हमसे फाइंड एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड नॉट कवर्ड बाय द रोड्स, मींस ये वाला एरिया कैसे आएगा, रोड का एरिया फाइंड कर लो, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो, सॉरी इसमें से रोड का एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास ये वाले एरिया बच जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में देखो यहां पे सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट 17 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। रोड का एरिया जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है। ओके वेरी गुड, अब चलते हैं ऑप्शंस में। देखो फर्स्ट में जिसमें हमें एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड नॉट कवर्ड बाय द रोड्स फाइंड करना है, यहां पे देखो ऑप्शंस अलग अलग है लेकिन बी और सी सेम ऑप्शन है। अगर सेम ऑप्शन ऐसे आता है ना, तो आप क्या करना, आप
वो वाला ऑप्शन ढूंढना जिसमें कोई अलग हो ही ना। देखो जैसे मैं सेकंड में देखता हूं तो यहां पे कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है, मतलब मैं एक भी ऑप्शन एक ही आंसर निकाल लूंगा इसका, सेकंड का अगर आंसर निकालता हूं जो आंसर आएगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सी जो भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से बी और डी में से कोई आंसर आ गया, बी आ गया, तो बी और डी में मैं फिर फंस जाऊंगा, फिर मेरे को सेकंड भी पता करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ऑप्शंस को देखना और देखना, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो सीधा डायरेक्ट वो वाला फाइंड करना जिसमें ऑप्शंस अलग अलग हो सारे के सारे। तो अभी हम सेकंड फाइंड करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट 17 पर मीटर स्क्वायर, तो रोड्स का पहले तो एरिया निकाल लो। देखो रोड का इसका निकालते हैं, तो इसकी क्या है ब्रेथ या लेंथ जो भी है 100 है, इधर से 3 है तो 100 इंटू 3 मीन्स 300 प्लस, इधर वाली का 112 है यहां से और ये 3 तो है ही है, 112 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 336, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 636। ये आ गया, ये इंक्लूडेड दो बार, एक बार माइनस कर दो, ये भी 3 है ये भी 3 तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 3 इंटू 3 आ जाएगा 9, माइनस कर दो इसमें से 9, इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 627 को आपको रोड की कंस्ट्रक्शन की पर मीटर स्क्वायर की उसने क्या वैल्यू दी थी 17 रुपीज, तो 17 से इसको मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा 49 4 कैरी 42 and 2 44 48 4 कैरी अगेन। उसके बाद अरे नहीं यार गलत कर दिया, यहां से 49 4 कैरी 14 and 7 21 and 4 25 2 कैरी 4 कैरी 0 सॉरी 6 6 प्लस 4 10, उसके बाद 0 ही आना है, तो ये आ जाएगा हमारा 10,659 रुपीज। चेक करते हैं ऑप्शन में कहां है, ये देखो 10,659 रुपीज, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट हमें फाइंड ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट फाइंड करते तो देखो ये वाला आना ही आना था। तो ऐसे ही इन्होंने दिए होते हैं, तो आपने दिमाग लगाना है आपने कौन सा वाला फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन फास्ट करना है, स्पीड से करना है, लेकिन गलत नहीं करना है बस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 19th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे। इफ अ रेगुलर क्लोथ व्हेन वॉश्ड वाज फाउंड टू हैव लॉस्ट 12% ऑफ इट्स लेंथ, 12% मतलब 12% अपनी लेंथ वो लूज कर जाता है और 10% क्या कर जाता है ब्रेथ, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, मतलब चेंज इन एरिया कितना आता है, कितने परसेंट चेंज आता है एरिया में, हमें वो फाइंड करना है। पहले तो ओरिजिनल सब कुछ फाइंड करें तभी तो हमारे पास चेंज आएगा। मान लो ओरिजिनल लेंथ थी एल और ओरिजिनल जो ब्रेड्थ थी वो बी थी, तो एरिया कितना आ जाएगा ओरिजिनल एल इंटू बी, एल बी आ गया। अब न्यू लेंथ कैसे आएगी, जो ओल्ड लेंथ है उसमें से अगर हम चेंज माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी न्यू लेंथ, ओल्ड लेंथ थी उसमें से जो चेंज है चेंज कितना आया 12% ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू ये 100, यहां पे जाके एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा एलसीएम, तो 100 माइनस 12 आ जाएगा साथ में एल विच इज इक्वल टू 88/100 एल विच इज इक्वल टू 22/25 एल। तो ये आ गया हमारा न्यू लेंथ। ऐसे ही आप न्यू ब्रेथ भी निकाल दोगे, ब्रेथ कितनी चेंज हुई थी, कितना डिक्रीज हुआ था हमारा 10%, तो यहां पे आ जाएगा बी माइनस 10/100 बी विच विल बी इक्वल टू 90/100 बी दैट मीन्स 9/10 बी, ठीक है। तो ब्रेथ भी आ गई, अब एरिया निकाल दो, न्यू एरिया क्या आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आ जाएगा हमारा एल बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा 99/125 एल बी, हमारे पास न्यू एरिया आ गया। ये पहला वाला एरिया था, ये नया एरिया आया,
पुराने वाले में से नया एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन एरिया आ जाएगा, तो चेंज इन एरिया फाइंड कर लेते हैं। एल बी माइनस 99 ओवर 125 एल बी, तो ये आ जाएगा 125 माइनस 99 ओवर 125 एल बी, विच विल बी इक्वल टू 26 ओवर 125 एल बी। चेंज इन एरिया परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन समथिंग, कुछ भी चेंज हो, तो यहां पे मैंने चेंज इन एरिया लिखा है, ओवर ओरिजिनल एरिया मींस ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, तो परसेंटेज में सारी वैल्यूज डालो आपका आंसर आ जाएगा 26 बाय 125 एल बी ओवर एल बी इनटू 100। ये एल बी और एल बी कट जाएंगे, ये 125 नीचे आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 26 ओवर 125 इनटू 100, ये हमारा आ जाएगा 2524, तो ये आएगा 4 2 8 and 2 10 104 over 5। करते हैं इसको इसको क्योंकि हमें डेसिमल में पता करना है, तो डेसिमल लगाते हैं इसका, डेसिमल में लिखते हैं इसको, तो डेसिमल में ये आएगा 20.8%। तो क्या 20.8% एरिया में चेंज आया था, वो हमें चेक करना है, तो 20.8% ही इसमें भी दिया हुआ है, तो हमारी जो स्टेटमेंट वन है वो तो हो गई ट्रू इतना सारा तामझाम करने के बाद। आई होप आपको समझ आ गया होगा, देखो नहीं समझ आया तो दोबारा से रिवाइंड करके एक बार समझ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ टू रेक्टेंगल्स आर इक्वल, कहता पेरीमीटर अगर इक्वल है देन देयर एरियाज आर ऑल्सो इक्वल, तो पेरीमीटर इक्वल कर देते हैं दो का, फिर हम उसका एरिया चेक कर लेंगे कि एरिया दोनों का इक्वल आता है या नहीं आता है। मान लो इसकी लेंथ ये है, इसकी ब्रेथ ये है, इसकी लेंथ ये है, इसकी ब्रेथ ये है, पेरीमीटर क्या आएगा दोनों का, एल प्लस बी इंटू टू, एल प्लस बी सिक्स इंटू टू 12, एल प्लस बी इंटू टू 5 + 1 6 × 12, तो पेरीमीटर तो मैंने भाई कर दिया इक्वल। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया है एल इंटू बी विच इज इक्वल टू 8, एल इंटू बी विच इज इक्वल टू 5, तो क्या एरिया इक्वल आया, नहीं आया, दैट मीन स्टेटमेंट जो 2 थी वो रॉन्ग थी, वो फॉल्स थी, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट 1, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो पहले पेरीमीटर हमने इक्वल करा, उसके बाद एरिया चेक करा, तो एरिया इक्वल ही नहीं आया। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस चैप्टर की, हमारा 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसका भी हम करेंगे तो सीखेंगे तो वैसे ही कि भाई कौन से ऑप्शन हमें देखने हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। देखो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तीनों के ही जो ऑप्शन है डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, तो दैट मीन्स आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम सॉल्व सारे के सारे करेंगे यहाँ पे, इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा कैसे करने की, ये ना हो कि भाई ये दोनों क्वेश्चन आए ना हम थर्ड वाला छोड़ दें और थर्ड वाला ही वहां पे आ जाए और आपको आता ना, ठीक है। करेंगे हम सभी सॉल्व, कैसे करने हैं वो मैं बता दूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को तो पूरा सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। अ सर्कुलर पोंड इज सराउंडेड बाय अ 2 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ, क्या कह रहा है, एक सर्कुलर ऐसे करके पोंड है जिसको आसपास एक पाथ बनाया गया है 2 मीटर वाइड, ठीक है, राइट, ये पाथ है बीच में पॉन्ड है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इफ आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पाथ इज 44, तो ये मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। उसके बाद देन द एरिया ऑफ पाथ इज, ओके, इसका एरिया निकालना है हमें, इसका एरिया कैसे निकालेगा, छोटू सर्कल का एरिया और बड़े सर्कल का एरिया माइनस करवा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो हमें दोनों का आर निकालना पड़ेगा फिर ही हमारा आंसर आएगा, तो बड़े वाले सर्कल का पहले आर निकाल देते हैं क्योंकि हमें उसका पेरीमीटर दिया हुआ था, तो ये आर किसके इक्वल आ जाएगा 44, 2 भी नीचे जाएगा, 22 भी नीचे जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 1 2 2 से 2, तो आर कितना आ गया 7, तो पूरा ये यहां से लेके यहां तक कितना है 7 है, ये कितना दिया हुआ है 2, तो जो बच जाएगा वो इनर सर्कल का नहीं आ जाएगा, तो 7 माइनस 2 कितना होता है 5,
तो इनर सर्कल का जो है वो रेडियस 5 है और आउटर वाले का 7 है। अब हम फाइंड करते हैं दोनों का एरिया। इनर वाले का मैंने बोला 5, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5। इधर वाले आउटर वाले में मैंने बोला 7, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी फाइंड कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 25 और 550/7। दोनों का एरिया आ गया, दोनों का एरिया आपस में माइनस करवा दो, आपका पाथ का एरिया आ जाएगा, तो माइनस करवा दो 550/7 में से माइनस कर दो बड़े वाले सर्कल का एरिया, बड़ा वाला वो है ठीक है, तो उसमें से माइनस करना है। 7 इसका आ गया हमारा एलसीएम, ये आ जाएगा 8 2 7 3 10 -5 0 5 5 0। ओके 8 2 5/7, तो ये एलसीएम क्या कहते हैं डेसिमल में दिया हुआ है, तो हमें डेसिमल में इसको निकालना पड़ेगा। तो डेसिमल में निकाल देते हैं 7 7 49, बच गए कितने 3, 7 5 35, बच गए अगेन कितने 3 डेसिमल। देख लेते हैं यहाँ पे 75 के बाद, ये रहा 75 वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके बाद 43 आना था, तो बी हमारा क्या है इसका राइट आंसर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसका, देखो यहाँ पे अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड मेजरिंग 17/9 1/2 मीटर इज टू बी कवर्ड बाय स्क्वायर लैब्स ईच ऑफ साइड दिस। तो वही वाला जो हमने अभी करा था, यहां पे क्वेश्चन कहीं पे किधर गया, ये वाला या ये वाला था शायद, जिसमें हमने नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करी थी, इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ओवर ओवर एरिया ऑफ ईच स्लैब, तो 1/2 × 1/2 17 × 9 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, इसको हम थोड़ा सा ना समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो एक ये घड़ी है जिसका जो मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है राइट। उसके बाद देखो द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव 10 सेंटीमीटर इन 1 आवर, जो कहता है ये मिनट हैंड है इसकी टिप कितनी मूव करती है, कह रहा है तो कितनी मूव करेगी एक घंटे में। देखो यहां से शुरू हुई, पूरा घूम के दोबारा से वापस आई, तो 1 आवर हो गया। कहां पे ये घूमी, ये सर्कल के एज पे नहीं घूम रही, तो एज पे घूमने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr 2 × 22/7 × 15, तो ये हमारा ऑलमोस्ट आ जाएगा 660/7 और ये कट के आ जाएगा आपका 94 और 94 देखो बी में ही दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारा बी ही सही था। तो ये यहां पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, हो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फर्स्ट 10 हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिए थे पार्ट 1 में, और जो बाकी के बचे थे हमने इस वीडियो में कर लिए। तो अगर आपको कोई भी इसके बाद कोई भी डाउट है या कोई आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉब्लम पड़ी हुई है जो आपने अभी तक नहीं सॉल्व कर पाए और आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, उसको उसकी फोटो मेरे को भेज देना, मैं आपको सॉल्व करके यहां तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जो वैसे ही सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।